मैं केदारनाथ गया एक बार, वहां के हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखो केदारनाथ जाना है। मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने कहा केदारनाथ जाना है तो कह रहे थे मुझे, मैंने सुना और पता नहीं मेरे मुंह से बात निकल आई, एकदम बात निकली। उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जा सकते हो। जैसे उन्होंने ये बोला, मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जाऊंगा, मैं अगर केदारनाथ जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं शिव के मंदिर में जा रहा हूं, जो मतलब मैंने तपस्वी की बात की, जो सबसे बड़े तपस्वी थे, अगर मैं उनके घर जा रहा हूं तो हेलीकॉप्टर में जाने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? तो मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा मगर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। कहते हैं ठीक है, मैं पैदल गया। पैदल गया वहां पे, बहुत अच्छा लगा, बड़ी ठंड थी, 16-17 किलोमीटर हैं, मतलब पता लगता है कि मतलब केदारनाथ जा रहे हैं, पता लगता है। मैं वहां पहुंचा, वहां पे कोई उद्घाटन था। जैसे मैं मंदिर में घुस रहा था, वहां पे एक आरएसएस के नेता मिले, मैंने नमस्ते की, कैसे कहूं, सीधा बोल देता हूं, वजन उनका काफी काफी था, तकरीबन देखो 100 किलो तक था। तो हम अंदर जा रहे थे और उनके पास, उनके साइड में एक नौकर था और नौकर के सिर पर इतनी बड़ी टोकरी थी, उसमें फल फल लगे थे, फल थे। मैंने देखा, मैंने कहा सर ये क्या है? कहते हैं ये मैं फल शिवजी के चरणों पे डालने के लिए लाया हूं। एकदम मैंने सोचा आप नहीं लाए हैं, आपका नौकर लाया है। मगर जो दिल में होता है मैं कभी कभी बोलता नहीं हूं, चुप हो गया मैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझे देखते हैं, कहते हैं आप कब आए? मैंने कहा मैं तो कल रात को आया था। आप कैसे आए? मैं तो चल के आया, 100 किलो का वजन था, तो मैंने बदतमीजी नहीं करनी थी तो मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं चुप हो गया। मगर उन्होंने कहा मैं तो हेलीकॉप्टर से आया। मैंने सोचा अब आ गया दिमाग में
मैं क्या करूं? मैंने कहा आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आए हैं, बोला नहीं, आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आए हैं, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, और उसके घर आप हेलीकॉप्टर से आए। कुछ नहीं कहा, चुप हो गया। चलिए हम गए, धक्का मुक्की हुई वहां पे, मुझसे बुजुर्ग थे तो मैंने कहा पाइए, गए उन्होंने, मतलब हाथ जोड़े, पूजा हुई, मैंने भी हाथ जोड़े, पूजा खत्म हुई, बाहर निकले, मुझे कहते हैं राहुल जी आपने शिवजी से क्या मांगा? मैं चुप हो गया। मैंने कहा भाई साहब आप बताइए आपने क्या मांगा। मैंने सोचा पहले उनसे पूछ लेता हूं। मुझे कहते हैं राहुल मैंने सेहत मांगी, सेहत मांगी। सौ किलो का वजन, शिवजी से सेहत मांगी। अगर आप केदारनाथ पैदल आ जाते सेहत मिल जाती। मैंने उसको बताया नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा, मगर उसको मैंने नहीं बताया, उसको यह बात शायद समझ ना आती। उनका दूसरा तरीका है, हमारा दूसरा तरीका है। मैंने शिवजी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैं गया, मैंने हाथ जोड़ा और मैंने शिवजी से कहा, शिवजी का धन्यवाद किया कि आपने मुझे रास्ता दिखाया है। यह फर्क है आरएसएस में और कांग्रेस पार्टी में, यह फर्क है गांधी जी में और सावरकर जी में। हम कहते नहीं हैं, हम कर देते हैं।